दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट व अलर्ट न्यूज के साथ। दोस्तों बात कर रहे हैं मौसम विभाग की, जिन्होंने दो अलर्ट जारी किए। मौसम विभाग ने दोस्तों दो तूफान के अलर्ट जारी किया है कि देश के इन राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं दो भयंकर तूफान और इन राज्यों हो सकती है भयंकर मूसलाधार तूफानी बारिश। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग ने एक अलर्ट और जारी किया है कि 17 अक्टूबर तक इन राज्यों में मौसम परिवर्तन होने वाला है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ सकती है। तो क्या है दोनों अलर्ट, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, जिससे आप अपडेट रहें देश दुनिया की तमाम खबरों से। दोस्तों पहली अपडेट आपको निकल कर आ रही है, 17 अक्टूबर तक बदलेगा मौसम का मिजाज, बड़ी किसानों की धड़कनें। दोस्तों मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अपडेट ने किसानों की धड़कनें बढ़ा दी है। 17 अक्टूबर तक कहीं हल्की तो कहीं तेज वर्षा होने के संकेत दिखाए गए हैं। अगर ऐसा होता है तो किसानों की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर जाएगा। पिछले साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बरसात आई थी, जिसका अधिक नुकसान कपास व पछेती धान की फसलों में हुआ था, लेकिन अब बरसात होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसलों में होगा। किसानों की धान की कटाई व कड़ाई एक साथ कर रहे हैं। अनाज मंडी में धान की आवक एकाएक बढ़ गई है और एक दिन पूर्व ही खाद्य आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर ने मंडी का निरीक्षण करके अधिकारियों को खरीद में तेजी लाने के आदेश दिए थे। वहीं आदेश दिए थे कि मौसम खराब होने पर तिरपाल का प्रबंधन भी रखा जाए। मौसम विभाग ने 17 अक्टूबर तक जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने अधिकारियों की माने तो अगले कुछ दिनों में मौसम में परिवर्तन आ सकता है और इसलिए किसान जल्द से जल्द पकी हुई फसल काट ले। यही कारण है कि धान की कड़ाई तेज हो गई है और मंडी में आवक भी बढ़ गई है। धीरे धीरे मंडी फसल से भर रही है। किसानों को डर है कि अगर बरसात होती है तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और इसलिए किसान अपनी पकी हुई फसल को काट ले ताकि बरसात होते ही उसको व्यवस्थित किया जा सके और ज़्यादा नुकसान ना हो। वहीं मंडी में फसल लाने से पहले उसमें नमी की जाँच कर ले ताकि आते ही फसल की बोली लग जाए। यह दोस्तों बयान है डॉक्टर बलवंत सहराण, उप कृषि निदेशक फतेहाबाद। दोस्तों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, 17 अक्टूबर तक जो है मौसम चेंज हो सकता है और आपके इलाकों में आ सकती है बारिश। दूसरा भयंकर अलर्ट है दोस्तों मौसम विभाग का, गोवा की तरफ बढ़ रहे हैं दो भयंकर तूफान, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, ठंडी हवाओं के साथ लुढ़केगा पारा। दोस्तों मौसम विभाग ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बाद अब गोवा में तूफान की आशंका जताई है। विभाग के मुताबिक गोवा में दो चक्रवाती तूफान लुबान और तितली का असर देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए आम लोगों को अगले कुछ दिनों तक समुद्री तटों से दूर रहने को कहा है। अरब सागर में लो प्रेशर से बने चक्रवाती तूफान लुबान का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की जब माने तो यह आने वाले कुछ घंटों में पश्चिमी उत्तर पश्चिमी होते हुए यमन तट की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से एक बार फिर से यह खतरनाक रूप धारण कर सकता है। लुबान के चलते अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम के राज्यों में प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन 7 से 8 राज्य के लोगों को रहना है सतर्क। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए तितली तूफान की वजह से जान और माल का नुकसान हुआ था। करीब 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि कई लोग लापता हैं। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश के साथ ही हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने लुबान तूफान और बारिश को देखते हुए मछुआरों को अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य अरब सागर में प्रवेश न करने की सलाह दी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठे तितली तूफान का असर अभी भी कुछ इलाकों में दिखाई दे रहा है और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और इसके आसपास के इलाकों में लो प्रेशर है, लेकिन काफी हद तक कमजोर हो गया है। चलेगी ठंडी हवाएं, बढ़ेगी सर्दी। दोस्तों मौसम में आए बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी हुई है। इससे देश में उत्तरी इलाकों में मौसम सर्द होगा, ठंडी हवाएं चलेंगी और सर्दी पड़ेगी। खास तौर पर दिल्ली NCR वालों के लिए पिछले कुछ दिनों के लिए चल रही गर्मी से उन्हें राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों यह थे मौसम विभाग के दो बड़े अपडेट, जिसमें हमने आपको बताया कि दो तूफान देश के किन राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही जाना हमने 17 अक्टूबर तक किसानों को जो है सलाह दी गई है, सभी लोगों को सलाह दी गई कि मौसम परिवर्तन होने वाला है। यदि आप भी किसान वर्ग से जुड़े हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें। वीडियो को अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर ताकि सभी लोग सतर्क और सावधान रह सके और इस मौसम विभाग के अपडेट्स को समझकर सतर्क रह सके। दोस्तों मौसम विभाग आप लोगों के लिए अलर्ट जारी करता है। यदि आपके लिए बरसात होती है अच्छी बात है, यदि नहीं भी होती है तो आप कम से कम सतर्क हो, इसलिए अलर्ट जारी होता है और हम आप तक इसको तुरंत पहुंचाते हैं। तो बने रहे नमस्ते इंडिया के साथ, सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को देश दुनिया की तमाम खबरों को प्राप्त करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।